हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एरर कॉर्नर। कैसे सब लोग? आशा करता हूँ सब लोग सही सलामत हो। मैं भी ठीक हूँ। काफ़ी टाइम के बाद आज आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ एक मेकअप ट्यूटोरियल। और अभी मुझे मेकअप ट्यूटोरियल जो है आप लोग विंटर पे कर सकते हो, और अभी क्रिसमस भी आ रहे हैं उसमें भी आप लोग क्रिएट कर सकते हो। और अभी जो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ वो मैं अपने न्यू फ़ोन पर कर रही हूँ। आप लोग मुझे बताना इसकी क्वालिटी कैसी है। तो ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, आज की वीडियो स्टार्ट करते चलिए। और कुछ बातें कहना चाहती हूँ मैं, वीडियो के बीच में ही कहूँगी आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी अपना लोरियल टोनर। मैं ऑलरेडी यहाँ पे कॉटन पे ले चुकी थी, और आप इसको एज हाथों के पंप पे लेके भी आप लोग इसे लगा सकते हो। बट मैं कॉटन से पहले लगाऊंगी अपने पूरे फेस को मतलब क्लीन कर लूँगी। अगर आप लोग मतलब कोई भी मेकअप करने से पहले जो हम स्किन केयर करते हैं उसको अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आपका मेकअप जैसे है वो ऐसे ही टिका रहेगा। आपको कोई फिक्सर लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप फिक्सर लगाओ तब जाके आपका मेकअप टिका रहेगा। मुझे ऐसा क्यों लगता है लग रहा है कि मेरे कैमरा क्वालिटी येलो ही आ रही है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं। तो चलो कोई बात नहीं, शायद सेटिंग प्रॉब्लम होएगी। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, अगर आप अपना स्किन केयर मेकअप से पहले प्रॉपर केयर करोगे तो आपका कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको मेकअप सेटिंग स्प्रे लगाना होगा। मेकअप सेटिंग स्प्रे बिना लगा के भी आप लोग अपने मेकअप को टिका कर रख सकते हो लॉन्ग टाइम तक, क्योंकि हम जो अभी स्किन केयर करेंगे उसके वजह से हमारा मेकअप टिका रहेगा। तो आफ्टर टोनर हम लगाएंगे मॉइस्चराइजर। और मॉइस्चराइजर के लिए नेविया सॉफ्ट मॉइस्चराइजर ले रही हूँ। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप थोड़ा ऑयली बेस वो लगाना, मॉइस्चराइजर लगाना। मेरा स्किन नॉर्मल है, और वैसे भी अभी मेकअप के टाइम पे विंटर पे क्या क्या करते हैं हम लोग मेकअप मतलब फेशियल ऑयल वगैरह आते हैं वो भी लगा सकते हो। अगर आपके पास कोई ऑयल वगैरह स्लिप हो रहा है ऑयल अगर आपके पास कोई ऑयल नहीं है तो अब नॉर्मल से फेस पे जो हम बादाम ऑयल लगाते हैं वो भी लगा सकते हो। तो अच्छे से इसको अपने फेस पे मसाज करते हुए लगाना ताकि आपके जितने भी मेकअप है स्किन पे टिका रहे और स्किन भी मॉइस्चराइज हो जाए। तो इसको मैं लगा चुकी हूँ अच्छे से, और इसको 1 मिनट तक आप ऐसे छोड़ देना। उसके बाद आप प्राइमर के लिए जा सकते हो, और आज मैं प्राइमर के लिए ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस प्राइमर। ये बहुत अच्छा प्राइमर है, मुझे बहुत पसंद है। ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है, दोबारा मंगवाना होगा मुझे। और ये जो है आप लगाते हैं आपकी स्किन पे एक अलग सा ग्लो प्रोवाइड करते हैं, मुझे बहुत पसंद है। जैसे मैं लगाऊंगी आप लोग देखना, जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम्स है ओपन पोर्स की वहाँ पे लगाना। और प्राइमर हम इसलिए लगाते हैं हमारे जो मेकअप है उसको लॉक रखे एंड लॉन्ग लास्टिंग करे। और लगाते हैं आप लोग देख सकते हो एक ग्लो सा मेरे फेस पे आ गया है, देख रहे हो लगता है ग्लो 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 हो जाते हैं। तो जिन्होंने लगाया होगा उनको पता होगा। तो मैं इसको बहुत कम यूज़ करती हूँ, जैसे कोई पार्टी पुर्टी हो उस टाइम पे मैं यूज़ करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि स्किन अंदर से भी ग्लो करे इस वजह से। तो आज मैं अभी लगाऊंगी फाउंडेशन के मैट लुक की जो है, तो इसको मैं थोड़ा सा अपने हाथों पे ऐसे लूँगी, वन पम्प लूँगी। थोड़ा सा यहाँ पर मैं ना बादाम ऑयल मिक्स करूँगी, ये है बादाम ऑयल मिक्स करूँगी इतना सा। फेशियल ऑयल भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि मेरे पास है फेशियल ऑयल, बट बहुतों के पास नहीं हो सकता है। तो ऐसे मैं दिखा रही हूँ कि आप लोग बादाम ऑयल भी ऐसे लगाकर अपने फेस पे अच्छे से, और इसको हमेशा ऐसे इसको अच्छे से थीन कर लेना, क्योंकि ये अंदर से जैसे निकलते हैं मोटे रहते हैं। तो उसको ऐसे थीन करके पूरे अपने फेस पे लगा लेना, अंडर आई पे थोड़ा सा, ये देख रहे हो थोड़ा सा ऑरेंज। तो उसके लिए मैं ऑरेंज कंसीलर लगाऊंगी पहले अपने इसको हाइड करने के लिए। इसको अच्छे से ऐसे टैपिंग कर देना। अगर आपके सबके स्किन पे अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है तो उस हिसाब से ही हम अपने मेकअप करते हैं। तो अभी मैं क्या लगाऊंगी अपना, जो मैं इसको ऐसे थोड़ा थिन होने के लिए रख दी थी, तो अभी मैं इसको अपने पूरे फेस पे लगाऊंगी। और अभी इसके ऊपर में भी मैं ऐसे इसको लगा दूंगी। अब जिसको जितना मेकअप की ज़रूरत है वो उतना ही करेंगे, और अपने गले को कभी नहीं भूले। मैं वैसे भी गले पे लगाऊंगी, अभी कम पड़ गया है गले पे लगाऊंगी। एंड देन अभी मैं क्या करूँगी, लगाते ही कोई चीज़ों को ना फट एकदम से ब्लेंड मत करना, थोड़ा वेट करना इसको, उसके बाद ही ब्लेंड करना। देन अभी मैं ब्यूटी ब्लेंडर से
अपने फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करूंगी। टाइम लेकर आप लोग ब्लेंड करना, क्योंकि ब्लेंडिंग अच्छे से होएगी तो क्योंकि ब्लेंडिंग अच्छे से होगा तभी जाके आपके ये मेकअप भी टिकेगा और लॉन्ग लास्टिंग होगा और दिखने में भी अच्छा लगता है, फ्लॉलेस रहता है और मेकअप बिल्कुल वैसे ही टिका रहेगा अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे। तो मैं अभी इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। अंडर आई क्यों मैंने रखा हुआ है, मैं अभी ब्लेंड नहीं करूँगी, बाद में करूँगी। फेस में अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ और अभी मैं अपनी जो अंडर आई पे ही उसको मैं ब्लेंड करूँगी बस। तो और अभी मैं लगाऊंगी अपना कंसीलर जो मेरे स्किन से एक दो से लाइटर है, क्योंकि हमारे ये हाइस्ट एरिया होते हैं और उसको हमें अच्छे से हाईलाइट करना चाहिए और मैं चाहती हूँ कि ये अच्छे से उभर कर दिखे। देन मैं साथ में ही अपना हुडा ब्यूटी का जो ये कंट्रोल स्टिक है, ये तुरंत मैं कंट्रोल स्टिक भी लगा लूँगी और नोज़ पे मैं बाद में करूँगी, क्योंकि नोज़ का क्या है जैसे मैं अपना कंसीलर ब्लेंड करूँगी तो वो भी साथ में ब्लेंड हो जाता है तो मुझे नहीं अच्छा लगता। तो और जो लेंस पे भी कंट्रोल लगा ले उसके बाद में क्या करूँगी, पहले अपना हाईलाइटर सॉरी हाइस्ट एरिया लाइक कंसीलर में जहाँ पे लगा के रखी हूँ उस पर मैं ब्लेंड करूँगी। येलो क्यों आ रहे मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि येलो तो है नहीं, स्किन बहुत ज़्यादा येलो येलो आ रहा है, शायद मेरा सेटिंग गड़बड़ होगा। नेक्स्ट टाइम ट्राई करती हूँ वो सेटिंग सही करने के लिए। तो जहाँ जहाँ पहले मैं कंसीलर लगाई थी उनको पहले मैं ब्लेंड कर रही हूँ। आईलिड पे लगाऊंगी कंसीलर ताकि जो भी हम आई शेडोज वगैरह लगाएंगे वो अच्छे से दिखे। और ये जो फाउंडेशन है ये फिट मी की है, मुझे बहुत पसंद है मेबलिन फिट मी फाउंडेशन और सॉरी कंसीलर, मेबलिन फिट मी कंसीलर है, बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर आप लोग वो चाहते हो अफोर्डेबल रेंज में चाहते हो तो स्विस ब्यूटी की भी बहुत अच्छी है, इसका लाइक ये फिट मी मेबलिन जैसा ही वर्क करते हैं, बहुत अच्छा है वो भी कंसीलर। कंटूर लगा के रखी थी अभी मैं उसको ब्लेंड करूँगी। और जो लाइन्स भी हमेशा नीचे की वो ब्लेंड करें क्योंकि हमारी जो फैट्स अभी आप लोग को दिख रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा सा पहले से फैटी हो गई हूँ, मोटी हो गई हूँ, तो हमारे जो फैट्स है वो पीछे से ही आती है कि पीछे से, तो अभी आप लोग को दिख रहा है। अभी कुछ दिनों से मतलब जब से मैं यहाँ पे आई हूँ कुछ महीनों से मैं बिल्कुल खुद को केयर नहीं कर रही हूँ, ना मैं स्किन केयर कर रही हूँ ना मैं अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा केयर, वो बिल्कुल केयरलेस हो गई हूँ। थोड़ा सा हेल्थ को लेकर मुझे अभी कंसियस होना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं फैटी हो चुकी हूँ, मोटी हो चुकी हूँ, तो मुझे मेंटेन करना होगा पहले जैसे फिर से। और अभी मैं क्या करूँगी, जितने भी मैं अपने कंसीलर फाउंडेशन वगैरह लगाई थी तो उसको अभी मैं ली थी ना लाइका से कम्पैक्ट पाउडर, इससे पे अपने पूरे फेस को सेट करूँगी। मैं लगा चुकी हूँ इसको, देखो इतना ख़त्म हो गया है। तो अभी मैं पूरी अपने फेस को सेट करूँगी ताकि कोई हर्ष लाइन या क्रिस लाइन पड़ ना जाए आईलिड में भी, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा थोड़ा डैपिंग कर दे ताकि हमारे जो ये बेस है वो आई मेकअप में चलते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ से ब्राउन शेड लूँगी और एक्स्ट्रा निकालूंगी, बस अपना आईज़ को मुझे डिफाइन करना है उसके लिए मैं ले रही हूँ। और थोड़ा सा ब्राउन शेड लेकर एक फ्लॉपी ब्रश लूँगी, थोड़ा सा ब्राउन शेड लूँगी और अपने आईलिड के अपना ग्रीस पे लगाऊंगी। फिर मुझे ये हाईलाइटर है इसी को मैं अपने लिड पे लगाऊंगी, क्योंकि विंटर पे ग्लो ग्लो अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, हर किसी का चॉइसेस अलग अलग होते हैं, तो मैं इसी को ही लगाऊंगी। लगाने के लिए भी ये बहुत ईजी है चुकी है। और अभी मैं लगाऊंगी अपना क्या सॉरी आईलाइनर। तो आईलाइनर के लिए आज मैं यूज़ कर रही हूँ लोरियल पेरिस का ये जो पेन है इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसको भी लगा, अगर आप बिगिनर्स हो आपको आईलाइनर में प्रॉब्लम है तो आप ऐसा पेंसिल ले लेना, उस इसको ड्रॉ करने में बहुत आसानी है, तो मैं अभी इसको ड्रॉ कर लेती हूँ। तो इसको लगाने पे भी बहुत आसानी है, देखो आप फर्स्ट से मुझे लग गया है, मेरे लग गए हैं। तो लॉलेस लेंथ पे थोड़ा सा मैं यही ब्राउन शेड लूँगी और फ्लॉपी ब्रश से लूँगी लेकर थोड़ा सा स्मच कर दूँगी।
मेरी आई और विगर लगती है। मैं लगाऊंगी मस्कारा, पहले आई की पूरी काम में कंप्लीट कर लेती हूँ और मैं लगाऊंगी मस्कारा। मस्कारा जो है, और जो भी प्रोडक्ट्स मैं लगा रही हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन पे उसके सारे प्रोडक्ट के नाम लिख दूंगी। जितने भी सामान ले रही हूँ इसके ऑलरेडी हॉल मैंने शेयर किया हुआ है, नायका की है, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लेना, अगर आपको देखना मन करे तो जरूर देखना। तो मैं मस्कारा अच्छे से लगा लेती हूँ। अभी आंखों का काम कंप्लीट हो चुका है और अभी मैं अपना फेस कंट्रोल करूँगी, क्योंकि मेरे फेस ना बिल्कुल फ्लैट लग रहे हैं। ली हूँ ये जो है, इससे मैं जो ये ब्राउन शेड है इसको लूँगी, एक्स्ट्रा निकाल दूँगी और उसके बाद मैं अपने, जब तक हम अपने फेस की कटिंग नहीं करते हैं ना, तब तक क्या होता है हमारे जो फेस है वो बिल्कुल फ्लैट लगते हैं, अच्छा भी नहीं लगता है। तो फेस कटिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी कंट्रोल करूँगी, फिंगर से ही करूँगी। ब्लशर लगाऊंगी और ब्लशर के लिए मैं SFR का जो ये कलर है इसको लगाऊंगी, है मुझे मेरी फेवरेट है एक तरफ से कहा जो है। तो स्माइल करते हुए अपने यहाँ पे लगा लूँगी, चिक्स पे, नोज़ पे। स्टिक हाइलाइटर यही लूँगी मैं, अपने नोज़ पे पहले लगाऊँगी। और विंटर पे तो हाइलाइटर मस्ट लगाना ही है, क्योंकि विंटर है ही, ग्लोई ग्लोई करना ही है स्किन को, और विंटर ही बेस्ट टाइम है जहाँ पे हम भर भर के हाइलाइटर लगा सकते हैं। मुझे हाइलाइटर लगाना बहुत पसंद है और हाइलाइटर क्रेज, यहाँ पे कौन कौन लगा के किन किन को मतलब हाइलाइटर लगाना पसंद है ज़रूर से बताएं कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं लगाती भी हूँ। अभी मैं थोड़ा सा अपने गले को भी वो कर तो एडजस्ट कर लेती हूँ, अदरवाइज फेस थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है और गला अच्छा नहीं दिख रहा है। तो अभी मैं गले को थोड़ा सा करके, ओ मेन बात तो रह चुका है क्या, मुझे अपना लगाना है ये लेसेस, जिसके लिए आई और भी बड़ा दिखता है। तो मैं फोर्स लेसेस लगा लेती हूँ गले को थोड़ा सा एडजस्ट कर। तो दिस इज द फाइनल लुक गाइस, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, जैसा भी लगा है मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। काफ़ी टाइम के बाद मेकअप ट्यूटोरियल लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, वो विंटर स्पेशल, और आप क्रिसमस में भी क्रिएट कर सकते हो, और अभी बहुत ज़्यादा पार्टी पुर्टी भी चल रही है तो तब भी आप लोग ऐसा तैयार होकर जा सकते हो। तो आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया है। तो आज के लिए चलती हूँ, मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नमस्ते, बाय बाय।